नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। भारत बनाम पाकिस्तान के बीच 2021 टी20 विश्व कप में 24 अक्टूबर को ग्रुप स्टेज का मुकाबला खेला जाना है, जिसके लिए अभी से चर्चा शुरू हो गई है। दोनों ही टीमें साल 2019 विश्व कप के बाद से पहली बार आमने सामने दिखाई देने वाली हैं। ऐसे में इस मुकाबले को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह बना हुआ है। अब इस मुकाबले को लेकर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी सलमान बट ने भारत और पाकिस्तान के दो खिलाड़ियों को चुना है और बताया है कि इन दोनों ही खिलाड़ियों को आमने सामने देखना दिलचस्प होगा। सलमान बट ने भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से कप्तान बाबर आजम को चुना है। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए कहा कि दोनों खिलाड़ियों के बीच काफ़ी कड़ा मुकाबला होगा। बुमराह और बाबर दोनों ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उनके पास अनुभव भी है। जसप्रीत बुमराह के पास थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन बाबर आजम काफ़ी समय से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके अलावा वो टीम के कप्तान भी हैं, उन्हें अन्य खिलाड़ियों को रास्ता दिखाना होगा। सलमान बट की माने तो पाकिस्तान की तरफ से बाबर बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे, तो वहीं बुमराह भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे, जिसकी वजह से दोनों के बीच की जंग देखने वाली होगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान टी20 विश्व कप में भारत से आज तक नहीं जीत पाया है। दोनों के बीच पहला मुकाबला साल 2007 में हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बॉल आउट में हरा कर उन्हें पहली बार हराया था। उसके बाद से ही पाकिस्तान अब तक भारत को विश्व कप में एक भी बार नहीं हरा पाया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।